गुड मॉर्निंग क्लास 12th ए. इन आवर क्लास वी विल स्टडी हियर अबाउट आवर इंग्लिश लैंग्वेज. इन इंग्लिश लैंग्वेज आवर टॉपिक इज रनिंग आउट. द नेम ऑफ द टॉपिक इज नरेशन. नरेशन टॉपिक हमारा चल रहा है बच्चों, और नरेशन में हम अभी तक सिंपल सेंटेंस पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव के बाद इम्परेटिव, और इम्परेटिव के टू पार्ट्स होते हैं. टू पार्ट्स में कल हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ा, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो हमारी मेन वर्ब से स्टार्ट होती है, और दूसरा है हमारा रिपोर्टेड स्पीच लेट से स्टार्ट होता है. तो ये दो पार्ट होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के. एक में रिपोर्टेड स्पीच मेन वर्ब से शुरू होती है, और दूसरे में रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू होती है. तो जो रिपोर्टेड स्पीच मेरी मेन वर्ब से शुरू होती है वो कल हम बता चुके हैं. इसमें रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेट या सेट टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, एडवाइज इत्यादि में चेंज किया जाता है. और जो लेट से शुरू होती हैं वो अलग टाइप से शुरू होती है. तो जो हमारी लेट से शुरू होती है उसमें थोड़ा सा पहले हम बता देते हैं, वो सुन लीजिए. ये जो लेट वाले सेंटेंस वाले होते हैं, इन जो रिपोर्टेड स्पीच है वो लेट से शुरू होगी. इनमें जो मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है, जो मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है सेट या सेट टू, ये सजेस्टेड और प्रपोज में चेंज होता है. तो आइए बच्चों पहले हम इसको पढ़ते हैं. जो हमारी रिपोर्टिंग हमारी लेट से शुरू होती है, तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो सेट या सेट टू है उसको सजेस्टेड या प्रपोज में चेंज करते हैं. फिर इन कॉमा इंपोर्टेड कॉमा हटा के टू का भी यूज़ करते हैं और दैट का भी यूज़ करते हैं. हम दोनों तरह के सेंटेंस आपको इसमें बताने जा रहे हैं, आप इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा. My daughter said, let me draw a man. क्या करते हैं इसमें हम, देखिए क्या होगा. हमारी अब ये सजेस्टेड या प्रपोज दोनों का प्रयोग करते हैं. सजेस्टेड या प्रपोज रिपोर्टिंग वर्ब सेट या सेट टू को सजेस्टेड या प्रपोज में चेंज करते हैं. तो हम इसको सजेस्टेड भी और सजेस्टेड और प्रपोज के बाद टू का यूज नहीं होता. तो माई डॉक्टर सजेस्टेड भी जब टू लगाएंगे तो लेट पहले लेट फर्स्ट पर्सन क्या बोल रहा है. तो दूसरा देखिए इसी में हम डैट का आपको बताते हैं. टू कंडीशन का प्रयोग किया. फिर फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट
हाँ बच्चों राइट डाउन करिए, लेट से शुरू होने वाले वाक्य। रिपोर्टिंग वर्ब सेड ऑब्लिक सेड टू कन्वर्टेड इनटू कन्वर्टेड इनटू सजेस्टेड आर प्रपोज्ड कन्वर्टेड इनटू सजेस्टेड आर प्रपोज्ड लिखिए। कॉमा इन बिटवीन कॉमास को हटाकर दैट कन्वेंशन का यूज, सॉरी टू कन्वेंशन और दैट दोनों लगा लीजिए ऑब्लिक में। कॉमा इन बिटवीन कॉमास हटाकर टू कन्वेंशन का भी यूज करते हैं, ऑब्लिक करके दैट टू ऑब्लिक दैट कन्वेंशन का यूज करते हैं। नीचे तीसरा पॉइंट लिखिए, यदि टू कन्वेंशन का प्रयोग करते हैं तो पहले लेट लाते हैं टू के बाद, यदि टू कन्वेंशन का प्रयोग करते हैं तो टू के बाद लेट का यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और यदि दैट कन्वेंशन का प्रयोग करते हैं, दैट कन्वेंशन का प्रयोग करते हैं तो दैट के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, तो दैट के बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद लेट को सुर में चेंज कर देते हैं, इसके पश्चात लेट को सुर में चेंज कर देते हैं, लेट को सुर में चेंज कर देते हैं। अब अच्छा जो अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए दोनों एग्जांपल लिखे हुए हैं, अब आप ये दोनों एग्जांपल ब्लैक बोर्ड से नोट कर लीजिए। जल्दी से बच्चे ब्लैक बोर्ड का नोट करिए। हाँ जी इसके बाद आते हैं हम लेटर्स वाले, जिनमें लेट का प्रयोग होता है, जिनमें हम लेट के साथ अस का प्रयोग करते हैं, जैसे जैसे बच्चों देखिए, ये आपके लेट से वाले दिए, लेट अस वाले दिए हैं, जिनमें लेट के साथ अस का यूज होता है, उसमें हम दैट, अगर लेट के साथ अस का यूज है तो हम इसमें टू कन्वेंशन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम लेट के साथ अस देखते हैं तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि दैट दे शुड का ही यूज होगा, दैट दे शुड का यूज करते हैं। और उसके पश्चात
लेट के साथ लिखिए जी हाँ लिखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच नोट करिए यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से स्टार्ट हो तो कॉमा हटाकर दैट दे शुड का यूज करते हैं इसके अलावा हम दूसरी वैरायटी में दैट माइट बी अलाउड दैट अथवा दूसरी तरीके से हम दैट माइट बी अलाउड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं दैट दे माइट बी अलाउड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चे देखिए आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड में द प्लेयर सेड दैट लेट अस स्टार्ट द गेम द प्लेयर सजेस्टेड दैट दे शुड स्टार्ट द गेम। फिर दूसरी तरीके से होना द प्लेयर्स के सजेस्टेड करना जो प्रपोज करना द प्लेयर्स प्रपोज दैट दे माइट बी अलाउड टू स्टार्ट द गेम। आप दोनों सेंटेंस उतार लीजिए उसके बाद घर के लिए चार पांच सेंटेंस नोट करिए बच्चों। देखिए आपको इसको सेंटेंस को एक्सरसाइज को मेंटेन करनी है। लिखिए द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर राइट डाउन द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर कॉमा एंड मोटर कॉमास बिगेन लेट मी एंजॉय माय हॉलीडे। सेकेंड नंबर सेंटेंस लिखिए द गार्डनर सेड कॉमा एंड मोटर कॉमास बिगेन लेट मी वॉटर द प्लांट। तीसरा लिखिए ऑल द स्टूडेंट्स सेड कॉमा एंड मोटर कॉमास बिगेन लेट अस फिनिश अवर वर्क एज सून एज पॉसिबल। नंबर फोर लिखिए द स्टूडेंट सेड टू द इनविजिलेटर कॉमा एंड मोटर कॉमास बिगेन लेट अस गो आउटसाइड as we have finished our work. आगे लिखे the mother said to the children let us sing a song of my choice first। okay class today I have completed my letters yani imperative sentences completed tomorrow I will teach you optative sentences you have to write down your work all the students listen to me carefully you are not sending your work carefully please send all the students I request you to please send your homework daily।